अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहनाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पंजाबी छोले। आज जो छोले हम बनाएंगे वो बहुत ही इजी, सिंपल एंड क्विक वे में बनाएंगे और टेस्ट वाइज ये बिल्कुल मार्केट में जो छोले बनते हैं वैसे लगेंगे। छोले वैसे भी किसी भी फॉर्म में बनाए जाए बहुत ही जायकेदार बनते हैं और सब लोगों की बहुत ही फेवरेट डिश मानी जाती है। हर एक को छोले बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इस टेस्टफुल डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये 300 ग्राम्स छोले ले ली हैं और इसको मैंने 8 आवर्स तक सोक करके रखा है। अब हम फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि इसको बॉयल करेंगे। छोलों को बॉयल करने के लिए हमने ये कुकर में छोले डाल दिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए, इसमें हम इतना पानी डालेंगे जिससे कि छोलों से थोड़ा सा ऊपर, छोलों को टच हो और थोड़ा सा ऊपर हो। बॉइल करते टाइम सॉल्ट ऐड करेंगे। छोलों को ब्लैक कलर देने के लिए और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम कुछ खड़े मसालों और चाय पत्ती का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने ये मैश ले लिया है। अगर आपके पास मैश अवेलेबल नहीं है तो आप एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। तो इसमें हम, इस मैश में हम 2 टीस्पून चाय पत्ती डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 हम ये डालेंगे जावित्री, दालचीनी के 2-3 पीसेस डालेंगे, 5-6 लौंग, 4-5 काली मिर्च, इसको कवर कर देंगे। ये इसके अंदर डाल देंगे हम, पत्ते डालेंगे, इसको अच्छे से डिप कर देंगे इसके अंदर। अब इसको हम प्रेशर कुक करेंगे 6 विसल आने तक। सिक्स विसल आ चुके हैं और अब हम इसको ओपन करके देखेंगे। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं, बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हमारी चने। अब हम ऐसा करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। देखिए, छोले हमने निकाल लिए हैं और पानी के साथ निकाले हैं। इस पानी को भी हम यूज़ करेंगे जब छोले बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। छोलों की ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज की प्याज ली है, इसका पेस्ट बना लिया है, और 4 हमने स्मॉल साइज के टमाटर थे हमारे पास, तो हमने उसका पेस्ट बनाया। अगर आपके पास मीडियम या बड़े हो तो आप 2 या 3 लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको हम 1 टेबल स्पून यूज करेंगे, और कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून। अब छोले बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है छोले मसाला, जिसको हम खुद बनाएंगे घर में। तो देखिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। 1 टेबल स्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ये अमचूर पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 हम ले रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च है अच्छे कलर के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है अनारदाना। इसको मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जब भी छोले बनाएं तो इसको ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। देखिए, ये हमारा होममेड छोले मसाला एकदम तैयार है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं छोलों को। छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम अपनी प्याज डालेंगे। प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए, प्याज बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स करेंगे, इसको भी भूनेंगे 1-2 मिनट। देख, 2 मिनट तक हमने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने टमाटर डाल दिए हमने, तो इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि थोड़ा सॉल्ट हमने जब चने बॉईल किए थे उसमें भी डाला था, तो थोड़ा ही डालेंगे इसमें। ये देखिए, टमाटर भी बहुत अच्छे से भुनने लगे हैं, अभी थोड़ा और भुनेंगे 2-3 मिनट।
देखिए बहुत अच्छे से हमारे भुन गए हैं टमाटर और ये सारे मसाले। अब इसमें हम अपना ये छोले मसाला जो बनाया है हमने, ये इसमें ऐड करेंगे। सबको मिक्स करके बहुत अच्छे से भूनना है हम सारे मसाले को हमें। देखिए मसाले को भूनते भूनते कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको हम और अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे से भुन गया है, हमें इस स्टेज तक भूनना है मसाला की साइड से जो है ऑयल निकल आए, इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इसको भी चलाएंगे बहुत अच्छे से 1-2 मिनट तक मसाले के साथ। ये इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे ऐसे, इसमें लंबाई में काट लिया है। देखिए अब इस स्टेज पर हमें अपने यहाँ छोले ऐड करेंगे, इसमें पानी के साथ ही डाल देंगे। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ। अब हमने छोले डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम 5 मिनट्स तक कवर करके पकाएंगे। 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं, इसको हमने मीडियम फ्लेम पर रखा था छोलों को। ओहो माशाल्लाह क्या प्यारी खुशबू आ रही है, देखिए कितने अच्छे से ये पक गए हैं, बहुत अच्छे से भुन गए हैं, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम एक काम करेंगे, मैं जब भी छोले बनाती हूँ तो मैं पनीर क्यूब ज़रूर डालती हूँ, तो मैं इसमें ये 100 ग्राम्स पनीर है, इसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, इसमें ऐड करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर रखेंगे कवर करके। देखिए माशाल्लाह 2-3 मिनट तक इसको स्लो पर रखा था। अब हमारे ये जो छोले हैं एकदम से रेडी हैं, बस हमें एक लास्ट काम ये करना है कि हमने पंजाबी छोले बनाए हैं तो पंजाबी तड़का लगाएंगे इसमें। ये हमने तड़का पैन ले लिया है, पैन में डालेंगे हम ये घी, यहाँ मैं ये देसी घी ले रही हूँ, ये 1 पिंच हींग डालेंगे इसमें, अदरक डालेंगे और ये 3 से 4 हरी मिर्च, इसको एकदम क्रिस्पी बना देंगे फ्राई करके। इसको हम डाल देंगे छोलों के ऊपर, देखिए कितने ग्रेसफुल लग रहे हैं हमारे छोले। आइए छोलों को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी इजी बन गए ये छोले, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत इजी और क्विकली बनाएंगे, देखिए बहुत इजी और क्विकली बन गए हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास घर में अवेलेबल होते हैं सिर्फ वही यूज़ करके हमने छोले बनाए हैं। और तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे छोले बने हैं, पनीर ज़रूर डालिएगा जब छोले बनाएं आप, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। इसको आप चावल के साथ, भटूरे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत पसंद आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।